जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकवादी पाकिस्तान स्थित हैंडलर से संपर्क करने के लिए एक नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आतंकवादी जंगलों में काम करने वाले लोगों के मोबाइल फोन छीन लेते हैं। अगर छीना गया स्मार्ट मोबाइल फोन है तो वो उसमें इनक्रिप्टेड मैसेंजर सर्विस ऐप डाउनलोड करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। कुछ मामलों में ये भी देखा गया है कि आतंकवादी बातचीत करने के बाद मोबाइल फोन को वापस कर देते हैं। हालांकि इससे पहले फोन में डाउनलोड ऐप डिलीट कर दिया जाता है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच रविवार को 5 मैचों की सीरीज का अंतिम मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया। 5वें मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत ने संजू सैमसन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट पर 167 रन बनाए। भारत ने 5 मैचों की सीरीज पर 4-1 से कब्जा कर लिया। अंतिम 5वें मैच में जिम्बाब्वे को 42 रन से हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नई उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 38.1 मिलियन, दुबई के शाह शेख मोहम्मद 11.2 मिलियन और पोप फ्रांसिस 18.5 मिलियन जैसे अन्य वर्ल्ड नेताओं को काफी पीछे छोड़ दिया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री झूठ का जाल बुन रहे हैं। दरअसल एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दावा किया था कि बीते 3-4 वर्षों में 8 करोड़ नौकरियां पैदा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि नौकरियों पर झूठ फैलाने वाले अब बेनकाब हो चुके हैं। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए एक्स पर लिखा, कल आपने मुंबई में नौकरियां देने पर झूठ का मायाजाल बुन दिया है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में रविवार को LOC पर आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना की चिनार कोर ने एक्स पर पोस्ट किया कि रविवार केरन सेक्टर कुपवाड़ा में LOC पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन जारी है। भाजपा की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ के डॉक्टर मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के आम्बेडकर सभागार में हुई। बैठक में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शामिल हुए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विरोधी साजिश करने में सफल रहे, इन्हें हमने 2019 में हराया था। हमें सोशल मीडिया पर नजर रखनी होगी, हम अपनी उपलब्धियों को मुद्दा नहीं बना सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको किसी भी स्थिति पर बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। वोट की शिफ्टिंग और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कहीं ना कहीं हमें चोट जरूर पहुंची है।